Assalamu alaikum viewers we are going to start Dawn article Crushing Poverty by Amin Waliani ठीक है जी हम डॉन आर्टिकल आज पढ़ने लगे हैं क्रशिंग पवर्टी क्रशिंग पवर्टी यानी कि पवर्टी को किस तरह से खत्म किया जाए अब पवर्टी जो है गुरबत है ठीक है का ओवरऑल ये हवाला देंगे इसके अंदर पहले बताएंगे कि वो गुर्बत किस किस तरह से होती है ठीक है उसके आगे पाकिस्तान को ये किस तरीके से टारगेट कर रही है हिट कर रही है इस हवाले से इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं नो बडी वॉन्ट्स टू लिव

जब भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके वालदेन उसका वेलकम तो करते हैं मगर साथ ही साथ उनके फेसेस पर रिंकल्स भी नजर आ रहे होते हैं और वो कितने परेशान होते हैं कि जब वो बच्चा यहाँ आएगा इस दुनिया में आएगा तो इस गुरबत वाले कंट्री में वो कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो फेस करेगा

फैमिली को खिलाना वो हैंड टू माउथ होगा यानी जितना कमाएगा वो खत्म हो जाएगा कोई सेविंग नहीं होगी उसके पॉकेट में कोई पैसे नहीं होंगे वो रातों को सोएगा नहीं दिन में उसको सुकून नहीं होगा उसके माइंड को भी सुकून नहीं होगा द सिचुएशन समटाइम्स कंपेल्स हिम टू सेल हिज ब्लड और बॉडीली ऑर्गन टू मेक एंड मीट्स मैनी पुअर फैमिलीज लिव इन

दिखाई दे रही है ये एक स्टिग्मा बन चुका है एक शेम बन चुकी है और ना ही ये सिर्फ एक जनरेशन तक लिमिटेड है बल्कि ये एक्सटेंड हो रही है और मजीद आने वाली जनरेशंस तक दीज आर द कंडीशंस फेस्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज इन पाकिस्तान अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले कितनी ज्यादा फैमिलीज इस कंडीशन का शिकार हैं अ होमलैंड व्हिच वाज अचीव्ड बाय आवर फोरफादर्स टू अनटायरिंग एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस के हमारे अबाओजाद ने कितनी एफर्ट के बाद इस कंट्री को हासिल किया था मगर

नाकाम रहे हैं उसके अलावा अगर 2000 साल की आ, साल 2000 की बात की जाए तो उसमें हमने डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, वो साइन किए थे उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से भी हमने काम किया मगर उस तरीके से प्रॉपर इनके ऊपर काम नहीं हो सका और हम इर्रेडिकेट यानी खात्मा नहीं कर सके पॉवर्टी और हंगर का Unfortunately, we are at the same stage as before, or perhaps we have regressed further. हम unfortunately बदकिस्मती से उसी stage पर हैं जैसा कि हम पहले थे, मगर उससे भी ज़्यादा हम regressed हो चुके हैं। Economic instability है, माल administration, corruption, political bickering have blighted the hopes and dreams of present generation. जो present generation है, इन तमाम चीजों ने, इन तमाम crisis ने उनकी hopes पर जो है, वो पानी फेर दिया है।

एंड वी एंड ये वो नहीं है जो हमारे अबाओ उजताद ने खाफ देखे थे क्या ये वो ख्वाब है आप खुद ही सोचिएगा वी मस्ट स्ट्रगल टू ब्रेक द पवर्टी ट्रैप हमें इस पवर्टी ट्रैप इस जाल को तोड़ना होगा इस फंदे को

ड एंड रेज वस क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ये एक स्ट्रगल है जिसमें एक इंसान को यानी कि हर इंसान को हर फर्द को मेहनत करनी होगी अपनी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज करने के लिए ऊपर लेकर जाने के लिए बेहतर बनाने के लिए वी रिसोर्स रिच कंट्री हम आपको पता ही है हम रिसोर्स रिसोर्स रिच कंट्री हैं हम हमारे पास बहुत सी मादनियात हैं मादनियात का जखीरा पाया जाता है बट वी आर अनएबल टू ब्रेक द पॉवर्टी ट्रैप मगर फिर भी हम

ऐसी की जरूरत है, जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना दी जाए उसको फॉलो करते हुए हम इन इन चीजों को इस्तेमाल में लाते हुए अपने जो वे ऑफ लिविंग है लाइफ है उसको रेस कर सके आर अ नंबर ऑफ कंट्रीज है बेटर क्वालिटी Emulating. और हमें यहाँ पर बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी भी मिलती हैं दुनिया में, जो जिनके पास नहीं है हैं, मगर फिर भी उन्होंने अपनी तो हमें इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए फोकस करना होगा कुछ सब्जेक्ट पे कुछ चीजों पर स्ट्रगल करनी होगी मेनली हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर एनी नेशन टू सरवाइवेजेटिविव वर्ल्ड में सिर्फ इकोनॉमिक ही है इकॉनमी ही है जिसको बेहतर बनाने से हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन के सफ में खड़े हो सकते हैं विदाउट अ अट्रॉन्ग इकोनॉमी द नेशन हैज़ टू रिमेन इन द ऑफ़ नेशंस ठीक है तो फिर एक क्रिपल ही करती रहेगी अगर इकोनॉमी को बेहतर नहीं बनाया गया तो एक कंट्री Here, economics means people struggle to generate enough income to fulfill their needs. The government is responsible for providing a safe and secure environment to people to pursue their day to day economic activities. So, it is responsible for a safe or secure environment for or their economic activities day by day. In order to overcome the problem of poverty, the government usually provides cash, handouts under BISP or free wheat flour in the holy month of Ramazan to the poorest of the poor. Arguably, this will not tackle the problem.

कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए और ऐसा ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनाए जिससे जो है वो पॉवर्टी दूर हो सके और एक दूर का यानी फ्यूचर गोल हो सके द इकनॉमिक स्ट्रगल इज टू बिगिन विद एजुकेशन और ये स्ट्रगल इकोनॉमिक वाली जो स्ट्रगल है ये कैसे शुरू हो सकती है एजुकेशन से हेयर एजुकेशन डॉट मीन गैटिंग डिग्रीज यहां पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ डिग्रिया लटका ली जाए गले में बट लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड लेकिन ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाई जाए कि इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह से अर्न कर सकता है पीपल शुड बी गिवन इंसेंटिव टू लर्न स्किल्स टू अर्न देयर लाइवलीहुडर एजुकेशन सिस्टम नीड्स एंड ओवरऑल इन ऑर्डर टू एड्रेस इशूज लाइक पॉवर्टी ठीक है हमारी एजुकेशन में भी ये चीजें रोनमा करने की जरूरत है ये तब्दीलियां लाने की जरूरत है के लोगों को बच्चों को स्टूडेंट्स को यह सिखाया जाए कि प्रैक्टिकली उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है और इन इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी है इनको किस तरह से टैकल करना है अल्टीमेटली टू टू बैनिश पॉवर्टी देयर इज अ नीड रेडिकली द एजुकेशन सेक्टर एंड स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो तो रेडिकली यानी कि प्रॉपरली एक लॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत है और इन चीजों की तब्दीली लाने की जरूरत है ये रिफॉर्म्स लेकर आई जाए एजुकेशन सेक्टर में ताकि ग्राउंड जीरो से हम शुरू करके एक बेहतर जो है वो फ्यूचर उसको तश्कील दे सके तो ये था जी इसका एनालिसिस अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज